Mustard seeds are very important oil seed in the world. The seed and oil is used in almost every household, mainly for cooking purposes. The brown and yellow mustard seeds in India are grown mainly in Rajasthan, UP, Haryana and some other parts of the country. Mustard seed farming is not a very difficult process, however, needs proper care and attention like any other crop. It is sowed in the month of October and reaped in the months of February-March. Mr. Brijesh Tyagi here explains the entire process of mustard seed farming. हेलो एंड वेलकम टू बीइंग हुमक्कड़। मैं हूँ देवांजलि और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सरसों की खेती कैसे होती है। सरसों दो तरीके की होती है, पीली और काली। आप जनरली घर पर यूज़ करते हैं, छौंक में यूज़ करते हैं, सरसों का तेल हम यूज़ करते हैं खानों में। तो आज की ये पूरी वीडियो में आपको उसकी खेती से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये पीली सरसों की खेती हो रखी है जहाँ पर मैं हूँ इस वक्त। हमारे साथ इस वीडियो में होंगे ब्रिजेश त्यागी जी, जो आपको बताएंगे कि सरसों की खेती का प्रोसेस क्या है, उसकी बुआई की टाइमिंग क्या है, उसकी कटाई कैसे होती है। सारी फार्मिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। ब्रिजेश जी, दोबारा से स्वागत है आपका हमारे चैनल आपका में। बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, आज हम अपने व्यूवर्स को बताने वाले हैं सरसों की खेती के बारे में जी। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि सरसों की खेती कैसे होती है, मतलब इसकी बुआई का टाइम क्या है, कब बुआई होती है, इसकी कटाई कब होती है, क्या प्रोसेस होता है? देखो, सरसों की बुआई जो होती है वो अक्टूबर माह के महीने में होती है और इसे बुआई के लिए 3-4 जुताई करने की आवश्यकता होती है। अच्छा। और बीच में 1-2 पानी लगाना होता है। ये बहुत ईजी है सरसों की खेती करना और ये फरवरी मार्च में इसकी कटाई हो जाती है। अच्छा, तो मतलब क्या फर्टिलाइज़र और ये सब की क्या क्या यूज़ है? सरसों की खेती में ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती। वो रोग के अनुसार कोई अगर बीमारी आ रही है तो छोटा मोटा कोई पेस्टिसाइड हम डाल लेते हैं। अच्छा। नहीं तो इग्नोर ही करते हैं पेस्टिसाइड। हाँ, मतलब ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता। तो सर, इसको बेचने का प्रोसेस क्या होता है कटाई के बाद? देखो, बेचने से पहले इसकी हमें थ्रेसिंग करानी होती है। अच्छा, वो क्या चीज़ होती है? थ्रेसिंग होती है, जैसे हमारी गेहूं की थ्रेसिंग होती है ना, गेहूं निकालते हैं, उस तरह सेम इसकी भी थ्रेसिंग होने लगी है अब। अच्छा। पहले तो किसान इसकी हाथों से पिटाई करके इसका दाना निकालता था। मतलब ये जो चीज है इनमें से जो फली है ना, हाँ, इसकी छिताई होती थी, उसमें रख के बुग्गी वगैरह वगैरह पर खड़ी की या ड्रम रख के उस पर इसकी छिताई करने के बाद इसका दाना निकलता। अब क्या है, अब ट्रैक्टर के थ्रू इसकी थ्रेसिंग हो जाती है, जैसे गेहूं की थ्रेसिंग होती है। उसके बाद इसमें घर से ही इसकी लेने के लिए जो व्यापारी होते हैं घर पे ही आ जाते हैं। अच्छा, घर से ही उठा लेते हैं। मतलब ऐसे मार्केट में बेचने का कोई वो नहीं है? नहीं, वो घर से ही ले जाते हैं, जो अपने व्यापारी हैं वो घर से ही उठा लेते हैं। तो क्या रेट, किस रेट में बिकता है ये? 3,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये इसकी कीमत रहती है मार्केट में। अच्छा, तो अगर मतलब ये इसमें से इसके अंदर बीज होंगे जी, वो निकालते हैं और फिर उसको लेके, और 1 बीघे में ये 1 क्विंटल तक निकल जाती है। अच्छा अच्छा, तो वो जो इसके दाने निकलते हैं उसकी जो पैदावार बोलेंगे हम, एक बीघे में 1 क्विंटल। अच्छा, तो वो वैसे क्विंटल के हिसाब से फिर वो बिक जाती है आगे। मस्टर्ड सीड्स आर वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। दे आर लो इन कैलोरीज एंड हाई इन न्यूट्रिशनल वैल्यू। दे आर ग्रेट फॉर डाइजेशन एज दे इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म रेट ऑफ आवर बॉडी। For more such updates, subscribe Being Khumakkar.